आजकल ऑलमोस्ट हर एक मूवी में ग्रीन स्क्रीन का यूज आप लोग देख सकते हो। इनफैक्ट विदाउट ग्रीन स्क्रीन वीएफएक्स मूवीज आर टोटली इनकम्प्लीट। सो गाइस, मेरा नाम है रजत, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएफएक्स वर्ल्ड। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट व्हाई वीएफएक्स यूज ग्रीन स्क्रीन फॉर मूवीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और इसी के साथ एक लाइक भी जरूर कर देना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। तो शुरू करते हैं कि हम लोग ग्रीन स्क्रीन को यूज क्यों करते हैं, ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल क्या है और किस किस जगह पे ग्रीन स्क्रीन को यूज किया जाता है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज ग्रीन स्क्रीन इज बेसिकली हम लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। ये सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है ग्रीन स्क्रीन का। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज चैनल पे देख सकते हो कि न्यूज चैनल वाले पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं, फिर लाइव शूट करते हैं और उसको फिर रिप्लेस करके वेदर रिपोर्ट या जो भी रिपोर्ट वो लोग डालना चाहते हैं को डालते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये बात करना जरूरी है कि क्यों ग्रीन कलर ही यूज किया जाता है। द आंसर इज वेरी सिंपल। ग्रीन जो कलर है वो अपने बॉडी टोन मतलब बॉडी कलर के साथ नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में बहुत सारे कलर्स होते हैं, एनवायरमेंट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, एक्सेप्ट द ग्रीन कलर जो है वो अपने बॉडी टोन के साथ या कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के टोन के साथ नहीं जाता है। दैट्स वाई हम लोग ग्रीन कलर को ही यूज करते हैं। बट उसी के साथ एक और कलर भी हम लोग कभी कभार यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ब्लू स्क्रीन। उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो पहले क्लियर करते हैं ग्रीन स्क्रीन के बारे में। तो सपोज किसी टाइप का शूटिंग चल रहा है और हम लोगों को ग्रीन स्क्रीन पीछे लगवाना है और वहां पे हम लोगों को रिप्लेस करके कोई भी चीज को बैठा सकते हैं, लाइक सीजी रिप्लेसमेंट हो गया या फिर कोई कैरेक्टर को जो कंप्लीट सीडी में बनाया गया हो, सीजी में बनाया गया हो, उसको हम लोग वहां पे बैठा सकते हैं या फिर बहुत सारे और भी चीज हम लोग वहां पे कर सकते हैं इस ग्रीन स्क्रीन के थ्रू। अभी कुछ पॉइंट के बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है बिफोर शूटिंग एनीथिंग इन ग्रीन स्क्रीन। पॉइंट नंबर वन, अगर आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी है उसमें से कुछ भी कलर ग्रीन में है देन उसको अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप उसको सॉफ्टवेयर में डालोगे और ग्रीन कलर को हटाने की कोशिश करोगे तो आपका सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट में जो भी ग्रीन कलर है वो भी पिक हो जाएगा एंड वो भी रिमूव हो जाएगा, तो वो भी सेमी ट्रांसपेरेंट या कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो सकता है। पॉइंट नंबर टू, ग्रीन स्क्रीन में कहीं पे भी कोई भी क्रीज लाइन या कोई भी डिफेक्टेड एरिया नहीं हो सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इनफैक्ट लाइट चेंजेस भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एरिया में डार्क साइड का ग्रीन स्क्रीन हो गया, कुछ एरिया में लाइट कलर का ग्रीन स्क्रीन हो गया, तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। पॉइंट नंबर थ्री, जितना हो सके ग्रीन स्क्रीन को बड़ा बनाइए ताकि आपका कैरेक्टर जब मूव करे, इनफैक्ट जब कैमरा भी मूव करे, तो कुछ भी चीज ग्रीन स्क्रीन के बाहर ना चला जाए। अभी आते हैं ब्लू स्क्रीन की तरफ कि हम लोग ब्लू स्क्रीन क्यों यूज करते हैं। तो आंसर है बहुत ज्यादा सिंपल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अपना कैरेक्टर जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ग्रीन कलर का ड्रेस या फिर वो शायद खुद ही ग्रीन कलर का हो, तो ऐसे हम लोग को शूट करना पड़ता है, तो उस टाइम पे हम लोगों को पीछे ब्लू स्क्रीन की जरूरत पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर एक मूवी आया था स्पाइडरमैन, जहां पे आप देख सकते हो जो ग्रीन गॉब्लिन था वो कैरेक्टर है ग्रीन कलर का शूट किया हुआ है, तो उसके पीछे हम लोग ब्लू स्क्रीन को यूज किए थे शूटिंग करने के लिए, और जो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर है उसके कॉस्ट्यूम में था ब्लू कलर, तो उस टाइम पे हम लोगों ने यूज किया था उस पर ग्रीन स्क्रीन। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन का कैरेक्टर का भी कॉस्ट्यूम था ब्लू कलर का, जिसके लिए भी इन लोगों ने कंप्लीटली ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया था। अभी आते हैं बात करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है प्रोडक्शन में हमारे पास ऐसे बहुत सारे शॉट्स आते हैं जिसके ऊपर ग्रीन स्क्रीन में जब शूट होता है लाइट इंटेंसिटी इतना ज्यादा होता है कि वो ग्रीन स्क्रीन का रिफ्लेक्शन कैरेक्टर्स के ऊपर आता है, कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, तो जब हम लोग कीन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कैरेक्टर के ऊपर ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन की वजह से वो कंप्लीट कैरेक्टर भी सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो सोल्यूशन क्या है उसका? Obviously, solution number one and only that is called rotoscoping. Yes, guys, उस टाइम पे हम लोगों को rotoscoping करना पड़ता है। और भी एक चीज आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ कुछ टाइम पे बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हम लोगों को कैरेक्टर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी हो वो शायद ग्रीन कलर का कोई भी कपड़ा पहना हुआ है एंड दैट इज कम्प्लीटली रिक्वायर्ड फॉर दैट शॉट, और हम लोगों को पीछे भी ग्रीन स्किन ही चाहिए, लाइक ब्लू स्किन हम लोग नहीं दे सकते, देन ऑल्सो वी डू rotoscoping. सो गाइज, आज का था ये वीडियो जहाँ पे मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली डिटेल में बताया कि क्यों हम लोग ग्रीन स्क्रीन को यूज करते हैं, उसका काम क्या है इंडस्ट्री में और कहाँ कहाँ ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट ब्लू स्क्रीन के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात की इस वीडियो में। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन जरूर इस वीडियो को शेयर करना, उसी के साथ एक लाइक भी क्लिक कर देना एंड लगे हाथ नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी क्लिक करना प्लीज मत भूलिए, क्योंकि क्लिक नहीं करोगे सब्सक्राइब नहीं होगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे व्यूज नहीं आएगा, व्यूज नहीं आएगा तो पैसा भी नहीं मिलेगा। Jokes apart, guys, if you really love our videos, then don't forget to follow us on our social media handles like Facebook, Instagram, LinkedIn, ho gaya, Twitter bhi ho gaya. So, guys, milte hain fir kisi din, kisi amazing video mein. Tab tak ke liye, have fun, keep watching, keep rocking, VFX World.